हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्विच। दोस्तों आज मैं अभी कुछ टाइम बाद, जो कि ठंड की मौसम है, अभी निकलूंगा सागंज के लिए। आज एक वॉशिंग मशीन परचेज करेंगे 6 kg का। तो आज जो कि इस ब्लॉग में आपको हम वॉशिंग मशीन का फुल कंप्लीट प्रोसेस, क्या क्या होता है, क्या क्या स्विच कौन सा काम करता है, और वॉशिंग मशीन कितने kg का लेना चाहिए, उसका रेटिंग क्या होना चाहिए, तो आज हम आप लोग को यही बताने वाला हूँ। और वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और कौन सी ब्रांड अच्छी वॉशिंग मशीन होती है, टोटल इस वीडियो में आपको कवर करूंगा और पूरा चलाने का प्रोसेस भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और आगे का प्रोसेस समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने लिया LG ब्रांड का वॉशिंग मशीन, जो कि 6 kg का परचेज किया है। इसकी रेटिंग देख सकते हैं, रेटिंग भी अच्छी खासी है, जो कि आप कभी भी सामान ले उसका रेटिंग, वोल्टेज का, पावर कंजेशन, हर चीज़ है चेक करके ही वॉशिंग मशीन परचेज करें। इसमें टोटल आपको देखिए ये पानी, जो कि टोटी के द्वारा इसमें पानी जाने का है, एक तरफ पानी फुल हो जाए इसको बंद कर दें, दूसरी तरफ वाटर सेलेक्टर है, इधर करेंगे ऑन हो जाएगा, इधर करेंगे बंद हो जाएगा, ठीक है, वाटर सेलेक्टर है। तो इधर देखिए आपका वॉशिंग मशीन का ये टाइमर मशीन है, कितने टाइमिंग तक स्टार्ट करेंगे उतने टाइमिंग तक ये चलता रहेगा। ये जैसे कि वॉशिंग टाइमर, यानी जो कि ये है आपका नॉर्मल, जो कि और जैसे कि आपका नॉर्मल कपड़े धोना है या कंबल धोना है उसके लिए, ये देखिए पानी निकालने के लिए है। ऊपर करेंगे बंद रहेगा, नीचे करेंगे पानी खुल जाएगा। और ये जो कि पानी वॉशिंग मशीन को सुखाता है उसके लिए है, क्योंकि इसको टाइमिंग करेंगे तो हो जाएगा। और सबसे पहले इसमें आते हैं कि फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर को लगाना होता है, और इसमें सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो देख सकते हैं इसमें यूज़र मैनुअल मिल जाएगा आपको। और ये पूरी तरह से जो कि वॉशिंग मशीन के डिब्बों को कवर करके आता है, कि अभी हमने लगाया है इसको वाटर जो कि फ़िल्टर है। तो आप इसको लगाने से पहले देखिए इसमें यूज़र मैनुअल में पूरी विधिवत ढंग से बताया गया किस तरह कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगाया जाता है। और यदि आपको किस मतलब समझ में नहीं आता तो आप यूज़र मैनुअल उठाइए, उसमें हर एक प्रोसेस दिखाया गया, जो कि नीचे दो कुंडी तरफ होता है उसको नीचे के साइड और एक वन किंडी को ऊपर की तरफ, और जो हमने पानी वाला बताया ये टोटी में लगा के सीधे वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद आपको आता है पीछे के साइड में पाइप का जो कि वाटर निकासी के लिए, यानी पानी कपड़े धोने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के लिए किस तरह लगाया जाता है ये दिखाया गया है। और उसका जो लॉक होता है वहाँ किस जगह लगाया जाता है, लॉक के कुछ लोग क्या करते हैं पाइप के लास्ट के सिरे पे लॉक करते हैं, उससे क्या होता है पाइप फट जाती है, काफ़ी बहुत ही नुकसान होता है, पानी धीरे धीरे निकलने लगता है जिससे वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वॉशिंग मशीन को रखने के लिए तरीके बताए गए हैं कि वॉशिंग मशीन को हमेशा सही से रखें, ऊँचे या नीचे ना रखें, जिससे वॉशिंग मशीन चलते समय वाइब्रेट करते समय उसमें आवाज़ आने लगे धीरे धीरे, जैसे कि मोटर ही होता है वो, जो कि जब चलेगा तो वाइब्रेट होने लगता है। तो इसमें ये सब चीज़ चेतावनी दिया है, पहले यूज़र मैनुअल को पढ़ें उसके बाद ही काम करें। धुलवाई के जो तरीके होते हैं आप देख सकते हैं इसमें, जो कि वॉच टाइमर है और इसको कितने 15 मिनट तक वॉच टाइमर दिया है, यदि आपको आधा घंटा चलाना तो 15 मिनट एक बार कर दें, उस पर सेलेक्ट करने के बाद जब से 15 मिनट बाद अलार्म बजता है, अलार्म बजने के बाद आप फिर से उसको 15 मिनट पर कर दें। और पानी निकासी के लिए आप देख सकते हैं ड्रेन सेलेक्टर को नॉन ड्रेन पे स्थिर कर दें, जिससे कि वो पानी निकल जाता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत कोई प्रभाव आपको नहीं होता है। तो खंगालने के तरीके, जैसे कि जो कपड़े धोने की तरीके, जैसे देख सकते हैं कपड़े को बस आप भर दें, जैसे कि आवश्यकता अनुसार भरे दें, जैसे कपड़े डालें आपको जितना लगता है अनुमान, आप उसमें पानी डालें और उसके बाद उसमें जो भी वॉशिंग पाउडर है या कोई लिक्विड है आप उसको डाल दें और उसके बाद आप उसको चला दें, ठीक है, ये सब चेतावनियाँ दिया है। अब यहाँ पे दिया है जो कि फ़िल्टर लगाने का एक्सेसरी बैग रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ़िल्टर लगाने की सही तरीके बताया है, और वायर केबल की राउटिंग बता दिया है, इसमें अनेक प्रकार की पूरा विधिवत तरीके से यूज़र मैनुअल में समझाया हुआ है। और देख सकते हैं चेकिंग बिफोर वॉशिंग, जैसे कि धोने से पहले आप क्या क्या चेकिंग होना चाहिए, कि अपने कपड़े में कोई नुकीला सामान जैसे कि सुई या कील या चाबी या कोई भी मेटल सामान ना रहे जिससे आपकी वॉशिंग मशीन में दिक्कत करे, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और धोते समय जैसे कि ये जो जैसे कि वाटर सेलेक्टर है उसको बीच में ना रखें, यदि लास्ट में रखें तो या शुरू में रखें, जैसे कि पानी की आवश्यकता है उसको शुरू में कर दें, यदि नहीं है उसको लास्ट में कर दें, ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा आता है आपका जो कि पावर सावधानियाँ, जिसकी लाइट की व्यवस्था, जो कि हम इसको हमेशा पावर बोर्ड में ही यूज करना चाहिए, ना कि कटिया बना के या दो तार खोस के या कि कोई जुगाड़ से पावर बोर्ड होता है जो कि हल्का सा एक्ट्रैक्शन बोर्ड होता है उस पर लगा के, इसका प्रमाण मतलब हमेशा एक
नियम होता है कि पावर बोर्ड में ही वाशिंग मशीन यूज करें और कम से कम ये 16 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको सही रहे और कोई दिक्कत कोई प्रभाव ना पड़े, शॉर्ट सर्किट ना हो, स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग होने के वजह से वायर जल सकता है और दुर्घटना हो सकती है। पानी निकासी के लिए देख सकते हैं आप, इसको निकालने के लिए क्या होता है, पीछे आपका एक पाइप होता है दिया रहता है, 1 से 1.5 मीटर रहता है, उसको लगाने के बाद आपको एक इसमें लॉक रहता है, इस स्ट्रिप के माध्यम से उसको दबाने के बाद ओपन हो जाता है और उसको हम लॉक कर देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पानी आसानी के साथ निकल जाता है, ठीक है। तो और इसमें दिया है जैसे कि सर्विस का नंबर भी दिया है, यदि आपको दिक्कत इंस्टॉलेशन कराने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें और भी समझाया हुआ है वाशिंग मशीन के बारे में, और ये टोटल आपको हमने बता दिया यूज़र मैनुअल। इसमें देखिए कपड़े डाल के सुखाया जाता है जैसे कि पानी निकाला जाता है, तो इसमें कपड़े डालेंगे उसके बाद इसको लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे भी चेतावनियाँ दिया गया क्या क्या इसमें चेतावनियाँ, हाथ ना डाले चलने के बाद, ये टोटल सावधानी दिया गया है, इस सावधानी के बढ़ते। अब इसके जस्ट सामने मेरे बटन रहता है, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पावर जो कि हमारा स्विच बोर्ड में लगता है, लीड है, और यहाँ पे देखिए ये पानी निकालने के लिए, ये देखिए हम इसको लॉक करेंगे क्योंकि लॉक करने में कुछ लोग गलती करते हैं। इसको कैसे लगाया जाता है देख सकते हैं, इसको पहले दोनों को आपस में दबा के उसके बाद पाइप में लगा के उसके बाद लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा वायरिंग व्यवस्था है यहाँ पे, और LG का ब्रांड है देखिए, इसमें ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है जिसकी। और यहाँ पे देखिए कितना ये मॉडल क्या है, इसका मॉडल ये है, कितने KG का है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसमें टोटल दिखाया गया है। और आगे देख सकते हैं ये पूरी स्विच दिया है, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए है, ऊपर का बॉक्स है, तो देख सकते हैं चेतावनी लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।